So set it up. God bless you. Hey, that was a good hit, man. Fuck you. God bless you, sir. दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं किस प्रकार एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था तो कुछ विरोधी लोगों ने उसे सताया, उसे मारा। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं कि उसने इस सताव में, इस विरोध में भी उन लोगों को आशीष दी, और ये ऐसा ही हमें करना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे देश के अंदर किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के विरोध में, हमारे विरोध में किस प्रकार लोग खड़े हो जाते हैं, और हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते, फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते कि वो संविधान के विरुद्ध हो या फिर किसी जातीय धर्म के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी लोग सताते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। और इसी वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला है, इस व्यक्ति ने कैसे इस विरोध का सामना करते हुए कैसे यीशु मसीह का प्रचार किया। आइए इस वीडियो को हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए, पहले बात करते हैं फिर। God bless you. Hey, that was a good hit, man. Fuck you. God bless you, sir. Because that man has killed more people in the name of God's religion. Stay back from him, man. He's unstable. The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. You know, the Lord Jesus Christ, he took the hit of God's wrath. Jesus took the nails. Jesus came to save sinners. So Jesus can save you, sir. I forgive you, my friend. I want you to be saved. And I want you to know that Jesus took the wrath of God. Jesus was hit by the fire on the cross. And he came back from the dead to save sinners, sir. दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था तो विरोधियों ने इसे मारा पीटा, यहाँ तक कि इसे बहुत ही गलत बोला, लेकिन इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के काम करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। देखिए, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो और सब जाते हो तुमसे बैर रखेंगे, तरह तरह की बातें तुम्हें कहेंगी, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। बहुत सी बातें हम प्रभु यीशु मसीह की जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें उत्साह करती हैं, हमें परमेश्वर के और भी काम करने के लिए हमें प्रेरित करती है। भले संसार में सही काम करने की वजह भी हमें सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है, इसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग असत्य को जानना नहीं चाहते, और जब सत्य उनके पास जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और वो सताव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसा ही हमारे देश में भी देखने को मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि वीडियो कौन से देश का है, लेकिन ये बाहर का है और आप देख सकते हो। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से धर्म बदला जाता है। अब देशों में तो लोग भरे पड़े हैं यीशु मसीह को मानने वाले, फिर भी क्यों सताव हो रहा है? क्योंकि सत्य को जब प्रचार किया जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है, शैतान को दिक्कत होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को पहली बार आए हो तो, और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।